हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू यस ऑफिसर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता, और आज हम बात करेंगे एक कॉमन डाउट जो अराइज होता है, क्या एक बैंक एक एम्प्लॉय को निकाल सकता है जब वो अपने प्रोबेशन पीरियड पर हो। तो आंसर होता है इसका यस। सर्टेनली बैंक कैन टर्मिनेट एन एम्प्लॉय जब वो अपने प्रोबेशन पीरियड पर होता है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस मीट हो। और जो प्रोबेशन पीरियड होता है, हम सब जानते हैं दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पीरियड जहां पर एक ओवरऑल सुटेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय इज जज्ड, कि आपके परफॉर्मेंस कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, आर यू राइट फिट फॉर दिस रोल और नॉट। तो ये सारी चीजें बैंक कब देख सकता है एक एम्प्लॉय में, जब वो बैंक में आकर एक्चुअली काम करे और वो प्रोबेशन पीरियड जब अपना सर्व करता है। प्रोबेशन पीरियड जनरली जब आप एक नए एम्प्लॉय होते हो तब आपका एक प्रोबेशन पीरियड होता है, और ये कितना रेंज करता है, जनरली रेंजेस फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स। कहाँ पर मेंशन होता है ये प्रोबेशन पीरियड? दिस इज मेंशन इन योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज बैंक पॉलिसी। और ये प्रोबेशन पीरियड जो होता है, दिस कैन डिफर अकॉर्डिंग टू बैंक। एक बैंक का अलग हो सकता है, दूसरे बैंक का अलग हो सकता है। बैंक एक्स का हो सकता है कि प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर हो, बैंक वाई का हो सकता है प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स हो। तो दिस कैन डिफर अकॉर्डिंग टू बैंक पॉलिसीज। ठीक है, तो क्या टर्मिनेट कर सकता है? बिल्कुल, उसके पास राइट होता है टर्मिनेट करने का ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। पर क्या कंडीशंस होती हैं तब तो टर्मिनेट कर सकता है? क्या ऐसे ही बस आर्बिट्रेली कि मेरे को यार बस तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद आ रही, जाओ यहां से, क्या ऐसे टर्मिनेट कर सकता है? नहीं, ऐसे एक बैंक आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता। यू ऑल्सो हैव सम लेबर लॉज। ठीक है, तो क्या कंडीशंस होती हैं? इफ अ पर्सन, मानिए हमारे मिस्टर ए हैं, इन्होंने बैंक ज्वाइन करा है, पेपर क्लियर करा इन्होंने, और इन्होंने बैंक ज्वाइन करा एज अ क्लर्क। ठीक, ये एज अ क्लर्क बैंक में गए। अब इनके मैनेजर ने आके इनको ग्रीट वगैरह करा, ये बड़े खुश हुए। अगले दिन इनका मैनेजर कहता है कि मिस्टर ए आपको ये काम करना है। मिस्टर ए कहते हैं मैं तो नहीं कर रहा कोई काम वाम, मैं आया हूँ, मैं तो सरकारी नौकरी में आया हूँ, बैंक सरकारी है, मैं मस्त मजे करूंगा, मैं कोई काम तुम्हारे लिए नहीं करने वाला। ठीक है, इन्होंने अपने मानो मैनेजर को अब्यूज वगैरह भी कर दिया। तो यहाँ क्या बैंक टर्मिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डिसिप्लिनरी इश्यूज के ग्राउंड पर बैंक इनको टर्मिनेट कर सकता है। क्या मानो मिस्टर ए ने वो उस काम को लिया, पर मिस्टर ए 6 महीने तक भी उस काम को सीख ही नहीं पाए, मिस्टर ए ने उस काम का कर दिया एकदम बर्बाद, तो इनके क्या हुए? इनके आगे परफॉर्मेंस इश्यूज, या वो बैंक के एनवायरमेंट को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो नहीं काम कर पा रहे, उनकी मानो कंडीशन जो है हेल्थ कंडीशन है वो उनको अलाउ नहीं कर रही, तो इनएबिलिटी टू अडेप्ट हो सकता है, या फिर उनकी हेल्थ उनको अलाउ नहीं कर रही, उनके कुछ मेडिकल रीजंस ऐसे आ गए जिसकी वजह से वो काम वगैरह बिल्कुल नहीं कर पा रहे, एंड द बैंक हैज टू टेक दिस ड्रास्टिक एक्शन। या फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, इन्होंने कहा था सर देखो मैंने 10th यहाँ से करी है, मेरे इतने परसेंटेज, 12th यहाँ से करी है, मैंने बीटेक करा है, मैंने एमबीए करा है, एंड देन ही लेड टू दिस जॉब। ठीक है, वहां पर पता चलता है कि यार ये तो झूठ बोल रहे थे, ये तो इन्होंने धोखा कर दिया। तो जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इश्यू आ जाते हैं, तब भी एक बैंक एक एम्प्लॉय को खुद सर्विंग इस प्रोबेशन पीरियड टर्मिनेट कर सकता है। अगेन, कहां पर मेंशन्ड है सर ये, कहां देखूं मैं? बैंक की मैंने नौकरी ले ली है, पर मैं जाऊं कहां? आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो बैंक और आपके बीच में साइन हुआ होगा, उसके अंदर आप उसको खोल के देखोगे तो उसके अंदर क्लॉजेस होते हैं, प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, टर्मिनेशन के ग्राउंड पे हो सकता है, अगेन बैंक की पॉलिसीज होती हैं अपनी। ठीक है, विच आर इन लाइन ऑफ लेबर लॉज, लेबर लॉज आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बट बैंक ऑन सर्टेन कंडीशन ऑन वैलिड ग्राउंड कैन टर्मिनेट एन एम्प्लॉय। ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती हैं, अगर मानो कोई डिसिप्लिनरी इशू है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो गया, तो उन केसेस में एक बैंक एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है। अब टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है? जनरली बैंक जो है वो आपको एक नोटिस पीरियड देगा सर्व करने के लिए, या फिर उसके अगेंस्ट कंपनसेशन देगा। कुछ केसेस में हो सकता है बैंक ना आपको नोटिस पीरियड सर्व करने दे ना कंपनसेशन दे। जैसे कि मानो ये जो मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए बड़े हुड़दंगी है ना भाई, तो जो मिस्टर ए हैं इनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लग गए, एंड इट इज प्रूव के भाई ही वॉज इन्वॉल्व इन सच एक्ट,
बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा भैया हमें आप जैसे एम्प्लॉइज अपने बैंक में नहीं चाहिए, हमारे हाथ जुड़वाओ, आप जाओ यहाँ से, ठीक है, हम ना ही आपको कोई नोटिस पीरियड सर्व करने देंगे, ना हम आपको कंपनसेशन देंगे, और पुलिस में कंप्लेन कराएंगे सो अलग, ठीक है। ऐसे केसेस में बैंक नोटिस पीरियड सर्व नहीं करने देगा। बैंक प्रॉपर रीजंस प्रोवाइड कराएगा, डॉक्यूमेंटेड राइटिंग में होगा कि कौन कौन से इंस्टांसेस ऐसे हुए जो बैंक को आपको टर्मिनेट करना पड़ा, वो रीजंस बैंक आपको कम्युनिकेट करेगा इन राइटिंग डिटेलिंग के भाई क्यों टर्मिनेशन हुआ, ठीक है। आई होप आप में से किसी का भी टर्मिनेशन नहीं होगा, आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अपने बैंकिंग जॉब्स में, पर बैंक में जॉब करते करते इंक्रीमेंट भी लेना है, उन इंक्रीमेंट में कौन हेल्प करेगा, हम लोग हेल्प करेंगे। लास्ट जो क्लास थी उसमें काफी लोगों ने पूछा था कि सर आप हो कौन, आई एम फैकल्टी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग JIB, मैं पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तो JIB के कोर्सेज जो है यस ऑफिसर आपको ऑफर करता है 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के। हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान है 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान, 12 मंथ का, 24 मंथ का, इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, यू विल गेट ऑल द मॉक टेस्ट पर्टेनिंग टू ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको जो भी क्लासेस हैं रिकॉर्डेड क्लासेस वो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, रिविजन नोट्स आपको मिलेंगे, केस स्टडी प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉड्यूल वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, ये सारी चीजें सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड हैं। और कोई भी और कोर्स आता है ड्यूरिंग दिस पीरियड तो वो भी आपको इस सब्सक्रिप्शन पीरियड में मिलेगा, ठीक है। तो 3 प्लान्स हैं, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। इस पे यस 51 का अगर आप कोड लगाओगे तो 51% आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, जिस रफली टर्न आउट टू बी 1900 समथिंग, 2900 समथिंग एंड 3900 समथिंग, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है यस ऑफिसर JIBCIB, उस पर जुड़ सकते हैं। वेबसाइट है yesofficer.com, JIBs पर जाओगे आप तो आपको ऑलरेडी अगर कोई क्लासेस देखनी है तो कुछ क्लासेस तो फ्री भी हैं फाउंडेशन बैच की, तो वो चेक इट आउट, मॉक्स हैं उनको अटेम्प्ट करें, कुछ टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अटेम्प्ट करें, गो सी द क्वालिटी फॉर योर सेल्फ। मिलते हैं अब अगली बार कोई एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे हम लोग, ठीक है।